सॉरी सोया तो नहीं था। अरे नहीं नहीं पापा अभी कहाँ, आइए ना प्लीज। सो तेरी नई बाइक कैसे चल रही है? मेरे हैंडसम बेटे को लड़कियां मुड़ मुड़ के देख रही हैं कि नहीं बाइक पे सवार होते हुए? नहीं पापा ज्यादा चला ही नहीं अभी तक। क्यों? इतने सालों से जमा करके रखा था इसी दिन के लिए और जब आ गई है तो गैराज में भाई साहब। पापा अभी इतना बड़ा लोन भी लिया है और अभी जॉब भी नहीं है तो मुझे तो ये बाइक ना अनलकी लग रही है थोड़ी सी। शायद नसीब में ही नहीं था मेरे पापा, आई थिंक कुछ ज्यादा ही बड़ा सपना देख लिया मैंने। बेटा सपने कभी बड़े नहीं होते, उसे पूरा करने की जिद बड़ी होनी चाहिए। सपने बेलगाम होते हैं, लगाम सपनों पे लगाओ और जैसे तुमने किया। बचपन से बाइक्स के पोस्टर्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स और पता नहीं क्या क्या जमा कर रहा था तू। तेरी मम्मी कमरे में आई, बोली मैं तो ये कमरा साफ करके ही रहूंगी। मैंने कहा क्यों? कमरा लॉक कर दिया मैंने और चाबी मैंने छुपा दी। जब तक तेरे मम्मी के सिर से वो भूत सवार नहीं जाता तब तक। ये तुम्हारा सपना है, सपनों पे कभी धूल नहीं जमती बेटा। पता है पापा, मैं 5 साल तक पैसे जोड़ता रहा, यू नो इट। पता है आपको पापा, जब कॉलेज में और ऑफिस में जब मेरे दोस्त यार या आसपास वाले कुछ हॉलिडे का प्लान बनाते थे तो मैं कोई ना कोई रीजन देके ना कट लेता था वहां से, क्योंकि मेरे मन में ये था कि जिस दिन मैं अपनी ड्रीम बाइक का सपना पूरा कर लूंगा उस दिन एक रोड ट्रिप लूंगा मैं। और जब तक मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए वो हासिल ना कर लूं तब तक बस मैं पैसे जोड़ता रहा पापा। एंड यू नो इट, यू सीन इट। एक टाइम पे तो मेरे दोस्त यार मुझे कहते थे कि यार यू आर सो स्टूपिड श्रे, जितने पैसे की तू बाइक लेना चाहता है उतने की पूरी गाड़ी आ जाएगी। बट फिर भी यू नो आई परसिस्टेड, मैंने किसी की बात सुनी नहीं, बस पैसे जोड़ता गया और वो करता गया जो मेरा दिल कहता था। पता है क्यों पापा? क्योंकि बचपन से आपने मुझे सिखाया था कि अपने सपनों के लिए लड़ो। और आज देखिए ना पापा, लुक एट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, जिस दिन मुझे खुश होना चाहिए उस दिन मेरी नौकरी चली गई। बट खैर, यू नो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग पापा कि ये बाइक बेच दूं मैं। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि दोबारा सेटल हो जाऊं, उसके बाद देखेंगे अगर नसीब मेरा तो फिर। तुझे याद है वो दिन जब मैंने तेरे जन्मदिन पे एक साइकिल तुझे गिफ्ट की थी? यस यस यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट पापा। आज भी कोई फॉर्म भरो तो एनी मार्क्स ऑन योर बॉडी का जो कॉलम होता है वहां पे, मतलब वही उसी साइकिल की दी हुई चोट है मेंशन उसका आज भी होता है कि नेवर फॉरगेट दैट। हाँ ऐसा लगता है कि कल ही की तो बात है, तुझे स्टॉपर्स नहीं निकालने थे क्योंकि तुझे डर था
साइकिल तो तूने सीख ली, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुझे वो स्टॉपर्स नहीं निकालने थे और तूने कभी ट्राई भी नहीं किया। मैं सोचता रहा कि ऐसे कभी साइकिल ही नहीं सीख पाएगा। तू स्कूल से वापस आ रहा था तो उसके पहले मैंने वो दोनों व्हील्स के स्टॉपर्स निकाल दिए और तुझे भरोसा दिलाया कि मैं तेरे पीछे पीछे भागूंगा और साइकिल को पकड़ लूंगा। और कहीं बीच में मैंने हाथ छोड़ दिया। तू साइकिल चलाता रहा तो गिरा नहीं, बिल्कुल नहीं। तुझे ऐसा लगा कि मैं अभी भी साइकिल के पीछे पीछे दौड़ रहा हूं और साइकिल को पकड़ के दौड़ रहा हूं, एकदम फर्स्ट क्लास, परफेक्ट बैलेंस। पता नहीं एकदम से तुमने मुड़ के देखा पीछे, जब तुमने मुड़ के पीछे देखा तो डर हावी हो गया, तब डर हावी हो गया तो तेरा बैलेंस गड़बड़ा गया और तू गिर गया। मुंह के बल गिर गया, आगे की तेरी दो दांत ये वाले टूट गए और पता नहीं और कहां का चोट लगी। और फिर वो स्कूल के रजिस्टर में क्या कहते हैं, मार्क्स, मार्क्स ऑन योर बॉडी, हाँ मार्क्स ऑन योर बॉडी का कॉलम, उसमें मैं शामिल हो गया, मेरा कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया उसमें। तेरे माँ के साथ बहुत झगड़ा हुआ, वो एक अलग इतिहास है। उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन शी यूज्ड दिस एज अ वेपन, यू नो, ब्रह्मास्त्र की तरह उन्होंने ये इस्तेमाल किया। कहने लगी कि यू आर वेरी केयरलेस। अरे हाउ, व्हाट केयरलेस? आई आल्सो रिमेंबर पापा कि मैंने आपसे दो तीन दिन बात नहीं की थी। आई वाज वेरी वेरी अपसेट विद यू। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा धोखा दिया हो मुझे आपने। यू नो, हाउ कुड माय फादर डू दिस टू मी, हाउ कुड ही अबैंडन मी। वंडरफुल मेमोरीज ना, यस, ब्यूटीफुल मेमोरीज। पर एक बात पूछूं पापा, पूछ, ये टॉपिक आपने अभी अचानक से ऐसे क्यों निकाला? तू गिर गया था, तुझे बहुत चोट लगी थी, लेकिन तुमने साइकिल उठाई गिरने के बावजूद। मायने वो नहीं रखता कि हम कितनी बार गिरे, मायने वो रखता है कि हम कितनी बार गिर के खड़े हुए। You're right, पापा, पर ये सारी बातें कहने सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, किताबों में अच्छी लगती हैं, थोड़ा प्रैग्मेटिक होना भी जरूरी है। And I think I will sell this bike. नई बाइक है, अगर अभी बेच दूंगा तो रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी पापा। और एंड फिर वो जो लोन की लाइबिलिटी है वो भी क्लियर हो जाएगी। आई रियली थिंक आई शुड सेल द बाइक पापा। बेटा, सपनों की बैलेंस शीट में कभी नुकसान और फायदे का कॉलम मत रखना। मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं, कभी मना नहीं किया। इनफैक्ट आई हैव ऑलवेज गिवन यू द गो अहेड एंड एनकरेज्ड यू। तुझे लगता है तुझे बाइक बेचनी है, बेशक बेच। तेरे दिमाग को ठंडक पहुंचेगी, बेशक बेच। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अपने पापा की बात मानेगा? जी पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स। देख बेटा, घर बैठे बैठे तू सोचता रहेगा, बहुत सारे विचार तेरे दिमाग में आएंगे। एंड यू नो दैट प्रोवर्ब, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। पिछले 5 साल से अपने हॉलीडेज सैक्रिफाइस कर रहा है इस दिन के लिए, ये बाइक लेने के लिए। गिफ्ट योर सेल्फ अ हॉलीडे सन, टेक दैट रोड ट्रिप सन।
They say that the road has answers to everything. तेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं. Take that road trip. मेरे लिए. For me. हमारे बॉक्सिंग में एक कहावत है. You don't lose a fight because you fall. You lose the fight because you refuse to rise. Take that road trip, son. मायने वो नहीं रखता कि हम कितनी बार गिरे हैं. मायने वो रखता है कि हम कितनी बार गिर के खड़े हुए हैं. टेक दैट रोड ट्रिप. लोग अपने दोस्तों के साथ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए रोड ट्रिप लेते हैं. एडवेंचर, स्पीड, एड्रेनलिन रश एक्सपीरियंस करने के लिए रोड ट्रिप लेते हैं. मैं सोलो रोड ट्रिप ले रहा हूँ. जी हाँ, सोलो. मेरी नौकरी जाने की खुशी में. वाह पापा वाह.